हुआ कैसे हो? मस्त, हम भी मस्त हैं। आप लोगों को एक आज टाइप 16 पढ़ाने जा रहे हैं, ट्रिकोमेट्री का। आप लोग देखेंगे इसमें किस टाइप पर आधारित क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। और पहले आप सूत्र ये दो तीन याद कर लेंगे। इसी पर आधारित है, साइन 2a बराबर 2 sin a इंटू कॉस ए। एक सूत्र इसका आप लोग उतारते चलेंगे। उसके बाद साइन 2a बराबर 2 tan a बटे में 1 plus tan² a। ये दो सूत्र आपका हो गया साइन का, ये दोनों उतार लेंगे। उसके बाद कॉस का लिखेंगे, उसके बाद टेन का लिखेंगे। तो कॉस का सूत्र होता है कॉस 2a बराबर cos² a माइनस sin² a। और इसको यदि बदलेंगे 1 माइनस तो हो जाएगा 2 cos² a माइनस 1। यदि इसको बदल देंगे साइन में तो हो जाएगा 1 माइनस 2 sin² a। और ये तीन फार्मूला हो गया। चौथा फार्मूला इसका हो जाता है 1 माइनस tan² a बटे में 1 plus tan² a। ये चौथा फार्मूला, इसको याद कर लेंगे। अब बच गया आपका टेन का फार्मूला। टेन 2a बराबर होता है 2 tan a बटे में 1 माइनस tan² a। ये तो ये सभी फार्मूला को आप लोग याद कर लेंगे। इस फार्मूला पर आधारित आज कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, लेकिन इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इसका वजह ये है कि बाबू इसके मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग न्यूमेरिकल भी ये कह सकते हैं पुटिंग वैल्यू पर, थीटा के पुटिंग वैल्यू पर बन गया है और बन जाएगा भी। इसलिए इस पर ज़्यादा क्वेश्चन करने की अब ज़रूरत नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप इसको याद कर लेंगे, काम आएगा कहीं कहीं। देख लीजिएगा अच्छा से फॉर्मूला को, फिर से हटा दे इसको। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन बाबू आज का है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, cos⁴θ माइनस sin⁴θ बराबर 3/4 हो तो मान चाहिए 1 माइनस 2 sin²θ बराबर। बताइए जल्दी फर्स्ट। चलिए ऑप्शन नहीं देते इस बार, छोड़िए हटाइए। बनाइए आप, बोलिए कितना बटा कितना, या 1 या 2 या 3 क्या आ रहा है, बताइए जल्दी। हम बोले इसको हम लिख सकते हैं बाबू cos²θ का होल स्क्वायर माइनस sin²θ का होल स्क्वायर। एक सूत्र बन गया बराबर 3/4, एक सूत्र बन गया a+b × a - b, यानी a² - b² का। तो a+b × a - b हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं cos²θ प्लस sin²θ इंटू cos²θ माइनस sin²θ। आई बराबर कितना चल रहा है बाबू, 3/4 चल रहा है। इसका वैल्यू भली भांति आप जानते हैं क्या होता है, 1। और इसका वैल्यू यदि देखा जाए इसका वैल्यू, ध्यान दीजिएगा अच्छा से, फिर ध्यान दीजिए क्या हम बोलने जा रहे हैं। हम जानते हैं cos²θ बराबर होता है क्या, तो इतना का वैल्यू होता है cos²θ cos²θ माइनस sin²θ। इतना ही का वैल्यू होता है 1 - 2 sin²θ। तो हम क्या कह सकते हैं, इतना के जगह पर हम ये वाला लिख सकते हैं क्या। यदि आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो, 1 माइनस हम लिख सकते हैं 2 sin²θ बराबर 3/4, यानी मेरे को आंसर भी यही मिला। यदि आपको परेशानी है तो व्यवस्था है, उसका परेशानी को दूर किया जा सकता है। कैसे, इस प्रकार को समझेंगे आप। पहले इसको उतार लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हटा दे इसको, देखिए ध्यान दीजिए कैसे।
यहाँ पर दिक्कत है तो आपको परेशानी के दूर किया जा सकता है। इसको आप चेंज कर डालो, वो बोले वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब बराबर कितना, 3/4, इसका कोई महत्व नहीं, एक हो गया है, ये एक और एक कितना हो जाएगा, 1 - 2 sin² θ नहीं हो जाएगा क्या, बोलिए बराबर कितना, 3/4, यही तो आपका आंसर था। बोलिए कहीं प्रॉब्लम, वो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर दो करते हैं, क्वेश्चन नंबर दो हटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर दो, sin θ - 2 sin³θ / 2 cos³θ - cos θ का मान क्या होगा, होगा ऑप्शन आपका है बाबू ए sin θ, बी है sin θ नहीं उल्टा लिख रहे tan θ, बी है cot θ, सी है sec θ, डी है cos³θ। बोलिए बना रहे, चलिए हम बनाने की कोशिश करें। बनाए क्या, बना लिए होंगे इसलिए वेट कर रहे थे। चलिए अब हम बनाते हैं इसको, हम ऑप्शन को अभी हटाते हैं, ऑप्शन को हटा देते हैं। अब ध्यान देंगे कि मेरे पास इसमें से बाबू sin θ कॉमन ले तो कोई प्रॉब्लम है क्या, तो हो जाएगा 1 - 2 sin²θ। नीचे में से cos θ कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, तो 2 cos²θ - 1। आपको भली भांति पता है कि ये है फॉर्मूला cos²θ का, ये भी फॉर्मूला है cos²θ का। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि sin θ / cos θ / cos²θ लिख सकते हैं क्या, और ये सही है कैंसिल, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू tan θ। तो कहिएगा कि सर इतना जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं इसके लिए और कोई व्यवस्था है कि नहीं, हम तो बोलिए तो रहे हैं कि sin²θ cos²θ वाला क्वेश्चन का मैक्सिमम पार्ट हट चुका है, ये पुटिंग वैल्यू के कारण है, पुटिंग वैल्यू से हम लोग इसको स्पीड में बना सकते हैं। ऐसे भी एक स्पीड बहुत अच्छा है इसका, ये ऐसे बनाने में इस आसान क्वेश्चन है, इस बात को समझेंगे, फिर भी इससे भी फास्ट इसको किया जा सकता है, उससे फास्ट क्या मतलब इसी तरीका का कहिए, हटाएं। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या हम कह सकते हैं कि ऐसा हम वैल्यू रखेंगे जिससे कि इन्फिनिटिव ना हो। देखिए कॉस, देखिए जीरो रखेंगे तो क्या होगा, ये जीरो, ये जीरो, ये एक, ये एक, यानी हम कह सकते हैं 0 - 2 × 0, अरे जीरो का क्यों जीरो, ये हो जाएगा 2 × 0 रख रहे हैं, थीटा का वैल्यू 0, 2 × 1, 1 का क्यों मतलब -1, यानी 0/2, 1 = 0, इसका वैल्यू क्या आ गया 0। टेन जीरो का वैल्यू कितना होता है बताइए आप, टेन जीरो का वैल्यू कितना होता है, टेन जीरो, क्योंकि टेन थीटा ऑप्शन ए में है ना, तो आप क्या रखेंगे टेन जीरो, टेन जीरो का वैल्यू तो होता है 0, इसलिए मेरा ये आंसर सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए cot θ था बी में, cot₀ का वैल्यू कितना होता है, cot₀ इन्फिनिटी, इसलिए ये नहीं हो सकता है। sec देखेंगे, cosec देखेंगे, आप पारा पड़ी सबको देख सकते हैं, उसमें क्या, ठीक है, हमारा क्या चाहिए 0, क्योंकि आपका sec था, sec₀ का मतलब cos₀ यानी 1/1, ठीक है, इस स्थिति में, उस स्थिति में आगे बढ़ेंगे तो cosec₀ का मतलब क्या हो जाएगा बाबू, तो 1/sin₀, sin₀ का वैल्यू कितना होता है 1/0, यानी इन्फिनिटिव, यानी ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ऑप्शन ए गया।
इसलिए बोल रहे हैं कि इस सब को हटाने के लिए एक व्यवस्था आ रहा है जिसका मान है पुटिंग वैल्यू, जो कि हम बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दो था, क्वेश्चन नंबर तीन करें, चलिए देखिए तीन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन आपका इस प्रकार का है, तीन टू कॉस फोर्थ यहाँ पर, हाँ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस टू कॉस इसके पावर फोर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए होल बट्टे में साइन स्क्वायर ए माइनस टू साइन के पावर फोर ए बराबर व्हाट, इतना का वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन आपका दे रखा है बाबू, माइनस वन जीरो वन टू, बोलिए ऑप्शन इस प्रकार से है, बताइए क्या होगा आपका, बोलिए बोलिए। बोलिए बोलिए क्या आया, आया क्या, कुछ आ गया होगा, आया कुछ भी बोलिए। हाँ देखते हैं हम, इसको छोड़ देते हैं, ये बेचारा किनारे है इसको नहीं छेड़ते, इसको करेंगे तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए तो कॉमन ले सकते, तो हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन होल बट्टे में, इसको ले सकते हैं साइन स्क्वायर ए कॉमन तो हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। भैया टू कहाँ से बन जाए, दो लिए दो बच गया, क्योंकि यह चार है, चार है तो यहाँ दो लिए दो बच गया, इसका मतलब हो गया कॉसिक स्क्वायर ए माइनस, इतना का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, तो कॉट स्क्वायर ए, और आप जानते हैं ये किसका फॉर्मूला है, ये तो ये है कॉस टू ए का, और नीचे भी जानते हैं किसका फॉर्मूला है, ये भी है कॉस टू ए का, इस स्थिति में ये से ये कैंसिल, यानी ये और ये कैंसिल, यानी मेरे को मिल गया एक, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया हूँ सी, ऑप्शन नंबर सी बना दीजिए। हटाए इसको, हटा दे, बन समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए जरूरी नहीं कि हमेशा आप थीटा का वैल्यू रखे, ऐसे निकल जा रहा है तो क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका चार है, टू प्लस टू यहाँ पर टू है, टू प्लस टू कॉस फोर थीटा इतना का वैल्यू व्हाट, ए टू कॉस थीटा, बी टू साइन थीटा, सी टू कॉट थीटा, डी टू सेक थीटा, बोलिए। बोलिए 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 टू नहीं वो सेक थीटा केवल बना रहे हैं क्या, बना डाली, बन जाएगा बन जाएगा, आपसे बनने वाला है, हम देख रहे हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं इसका ट्रायल, हम दिखाते हैं ऑप्शन यहाँ लेकर आ जाते हैं, टू कॉस थीटा दिख रहा होगा, बी टू साइन थीटा, सी टू कॉट थीटा और डी सेक थीटा, ये यहाँ ऑप्शन ला दिए। चलिए अब बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उधर सूत्र लिखते हैं आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। दो तरीका से बनाएंगे, पहले सूत्र से दिखा देते हैं, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा का एक और फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन,
देखिए ध्यान दीजिए, एक और क्या कॉस थीटा, कॉस टू थीटा का एक और फार्मूला होता है, वन माइनस साइन टू साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात आप बताइए हमको, क्या इसमें साइन की ज़रूरत है? तो कहिएगा कि सर कॉस टू थीटा है, कॉस फोर थीटा है, तो साइन भी चल सकता है, कॉस भी चल सकता है। हम बताएंगे क्या चल सकता है, हम बताएंगे। इसको एक स्टेप बढ़ाइए तब पता आपको चल जाएगा, टू प्लस इसमें से टू कॉमन ले लीजिए टू, तब बचेगा वन प्लस कॉस फोर थीटा। अच्छा सुनिए एक बात बताइए कि वन प्लस, आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा, सर यहाँ फोर थीटा है, सब टू थीटा पर, देखे बाबू यहाँ टू थीटा है तो यहाँ थीटा आया, यहाँ पर यदि हम फोर थीटा लिखेंगे तो यहाँ पर टू थीटा आएगा, थीटा के आधा आता है, यहाँ पर जितना रहेगा उसका आधा यहाँ आता है। यहाँ हम यदि दस थीटा लिख देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, कितना आएगा, पाँच थीटा आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, पाँच थीटा आएगा। कन्फर्म इस बात को समझ पा रहे हैं? तो अभी हम क्या लिखे थे, हमारा क्या था, कॉस टू थीटा, तो यहाँ पर थीटा थीटा, बात समझिएगा। इसका मतलब हम ये तोड़ेंगे यहाँ पर तो फोर थीटा से टूट के कहाँ पर आएगा, टू थीटा पर आएगा। हम कह रहे हैं वन पॉजिटिव किस में हो सकता है, इस साइड आएगा तो वन निगेटिव हो जाएगा, इस साइड आएगा तो वन पॉजिटिव, यानी वन प्लस कॉस टू थीटा के बराबर आ रहा है टू कॉस स्क्वायर थीटा। इसी का हम प्रयोग करेंगे, इसी का हम प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि प्लस में ऐसा दे रहा है। अब अंडर रूट टू प्लस टू इन टू, बताइए इतना का फार्मूला हम क्या लिख दें? तो कहिएगा इतना का फार्मूला सर ये लिख दीजिए, लेकिन लेकिन टू कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा कब, जब टू थीटा है तब, यहाँ पर फोर थीटा है तो यहाँ पर बाबू क्या लिखना होगा, उसके आधा टू थीटा लिखना होगा। समझ पा रहे हैं? फिर से, यहाँ टू थीटा है तो यहाँ पर हम थीटा लिख रहे हैं, यहाँ टू थीटा है तो थीटा लिख रहे हैं, तो यहाँ फोर थीटा है तो हम टू थीटा लिखेंगे, आधा लिखेंगे। अब उसके बाद फिर से बना गए तो टू प्लस ये बाहर निकल जाएगा तो टू, ये निकलेगा तो केवल कॉस टू थीटा निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा, दो दुना के चार है तो एक निकल गया, ये एगो निकल गया। अब फिर से टू कॉमन, फिर से टू कॉमन, तो वन प्लस कॉस टू थीटा। अब कॉस टू थीटा का फॉर्मूला ये सही है, टू थीटा है तो यहाँ थीटा है, टू थीटा है तो यहाँ थीटा है, तो ये सही है। इस स्थिति में अब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखेंगे, तो इस साइड में लिख देते हैं, अंडर रूट लिख सकते हैं टू इन टू टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये बाहर निकलेगा था टू, एगो कॉस निकलेगा, दो कॉस है, कॉस थीटा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका है, ध्यान दे देंगे। हाँ थोड़ा सा इसको दिख नहीं रहा होगा ऑप्शन, तो फिर यहाँ से लिख सकते हैं टू कॉस थीटा ऑप्शन ए में था, बी में था टू साइन थीटा, सी में था टू कॉट थीटा, और डी में था सेक थीटा, ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक है देख लीजिए। आपको हम बताते हैं इस नियम से नहीं, कुछ और नियम बताते हैं, इस नियम को पहले आप देख लेंगे, कुछ और नियम आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हटा रहे हैं इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम क्या किए एक बार फिर से पुनः सुन लीजिए, बाबू यहाँ पर टू कॉमन ले लिए तो ये वन बच गया, ये कॉट टू फोर थीटा बढ़ गया, फोर थीटा ये कहता है कि टू थीटा रहेंगे तो थीटा हो जाएंगे, तो ये कह रहा है फोर थीटा रहेंगे तो टू थीटा होंगे, उसके आधा होंगे तो आधा कर दिए। यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा, इसको इधर लेकर आ गए तो ये प्लस में हो गया, इतना बराबर ये, यानी इतना बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, लेकिन फोर थीटा तो टू थीटा लिख दिए, यही बात है। चलिए उतार लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हटाएं। अब हम आपको बता देते हैं कि मान लीजिए कि आपको मूड कर रहा है कि नहीं सर हम इतना जाल पढ़ने के लिए नहीं आए हैं सर, थोड़ा सा शॉर्ट बताइए, तो शॉर्ट करने का एक ही तरीका है, वो है आपका वैल्यू के पुट करके जल्दी शॉर्ट हो सकता है। कहिए क्या सर मान रखें, थीटा बाबा क्या रखें सर, थीटा का वैल्यू क्या रखें, तो बोलेंगे जीरो रख दीजिए, जीरो रखिएगा तो ये वन हो जाता है, तो कह दीजिए जीरो रखे तो हो जाएगा टू प्लस, कितना हो जाएगा बाबू, टू प्लस टू इन टू कॉस फोर गुने जीरो, सही लिखे हैं क्या, यानी आ गया टू प्लस टू, प्लस टू इन टू एक तो लिख दें, अरे भैया इसका कॉस कितना हो जाएगा देख लीजिए, कॉस जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू एक, यानी मेरे को मिला कि दो प्लस दो, दो दुना के चार हो जाएगा ना, हो चार, आइए निकल जाएगा तो बाहर दो प्लस दो,
और 2 + 2 मतलब कितना हो, तो 4, और 4 का वर्गमूल 2। यानी अब देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन में 2 आ रहा है। सी, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, और ये डी हो गया। आइए ध्यान देते हैं, 2 × cos 0 का वैल्यू 1, यानी 2 × 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही मैच कर गया। फिर से देख लीजिए, 2 cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू क्या रखे, 2 × cos 0, यानी 2 × 1 बराबर 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, सबसे बेहतर चॉइस है। कहिएगा सर और कोई वैल्यू रख सकते थे कि नहीं? देखिए भैया, वैल्यू तो बहुत चीज़ रख सकते हैं, लेकिन अब आप देखना है कि किस पर आसान हो जाएगा। नहीं तो वैल्यू से यह भी हो सकता है कि वैल्यू रखेंगे तो भी नहीं बने, तो इसलिए वैल्यू आसान वाला देखना है कि किससे वैल्यू आसान हो रहा है। हटाएं इसको, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अब। 5 क्वेश्चन नंबर देखिए, तो 5 देखते हैं। sin 2 θ बराबर 1/5 हो तो sin θ + cos θ बराबर, ऑप्शन आपका है बाबू 1/5, 6/5 आपका है 1, नहीं आया तो सबका बाप नन, ये आपका ऑप्शन रहा। बता दीजिए, वेट कर ले रहे हैं थोड़ा सा, वेट कर ले, बनाइए। देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, या तो यहाँ दिमाग लगा लीजिए, नहीं तो यहाँ दिमाग लीजिए, या तो इस साइड से बना सकते हैं चाहे इस साइड से बना सकते हैं, दोनों साइड से। कहिए क्या दिमाग लगाना है, बता रहे हैं। इसको लिख सकते हैं 2 sin θ × cos θ बराबर 1/5। हम जानते हैं कि यदि एक जोड़ दें तो एक जोड़ने से क्या होगा, एक जोड़ने से एक के स्थान पर sin²θ + cos²θ लिख सकते हैं। इतना लिख दिए तो एक फॉर्मूला बन जाएगा, sin²θ + cos²θ + 2 sin θ × cos θ बराबर ये बटा पग जोड़ 5 1 + 5। यानी मेरे पास आ गया इतना एक फॉर्मूला है, क्या चीज़ का, sin θ + cos θ का होल स्क्वायर का बराबर 6/5। इसका मतलब sin θ + cos θ का वैल्यू क्या हो जाएगा, हो क्या हो जाएगा, रूट 6/5, ऑप्शन नंबर बी बॉय। या तो इधर से दिमाग लगा देना है, दिमाग आपका पड़ा हुआ है, ठीक है, लॉकडाउन में क्या है, दिमाग क्या खिड़की कीजिएगा, या तो इस साइड से आप दिमाग लगा लो, नहीं तो उस साइड से दिमाग लगा लो, दोनों में से किस साइड से दिमाग लगा लेना है, ठीक है, क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम नहीं ना। हम क्या किए, एक जोड़ दिए, एक जोड़ने से क्या मिल गया, sin²θ + cos²θ, इतना मिलने से ये 2 sin θ × cos θ एक फॉर्मूला बन गया। कहिएगा सर उस साइड से बनाइए, रुक जाइए, उस साइड से भी बना देते, इसको हटा देते हैं, उस साइड से कैसे बन सकता है। कहिएगा सर थीटा के वैल्यू रख के बने कि नहीं, वैल्यू रखेंगे तो क्या रखेंगे, 1/5 जो है कोई गारंटी है, रखते 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 थक जाएंगे, इसलिए sin θ + cos θ बराबर मान लेंगे x, दोनों साइड वर्क कर देंगे, sin θ + cos θ का होल स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर, कहेंगे sin²θ + cos²θ + कहिएगा सर बाकी वर्क क्यों कर रहे हैं, 2 sin θ cos θ लाने के लिए, 2 sin θ cos θ यदि मिल जाए ना तो हम जानते हैं कि यह ये है, इसीलिए वर्क कर रहे हैं, वर्क करने का वजह है। इसका वैल्यू 1 प्लस इसका वैल्यू sin²θ बराबर x², और इसका वैल्यू मेरे को दिया है 1 + 1/5 बराबर x²। इसका मतलब इसको हल करें तो 6/5 बराबर x², हमें x² नहीं चाहिए, हमें तो x चाहिए, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा विद्यार्थी, x बराबर √6/5 बी बाय। ऑप्शन तो पहला ही का ठीक लगा था, बना लीजिए दोनों तरफ से, आप जिधर से डील करना चाहते हैं डील कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है, क्या दिक्कत, हटाएं इसको, क्वेश्चन नंबर 5 को हटाएं,
अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना रहे हैं, बिल्कुल बिंदास बिंदास। खाली आप लोग पढ़ो, और ऐसे भी आप लोग पढ़ने के सिवा दूसरा काम क्या है, वो दूसरा कुछ कर ही नहीं सकते। टिकटॉक वाले नहीं ना है, हट फालतू काम मत करो, टिकटॉक चलाना ही नहीं है बहन, टिकटॉक हटाओ, क्या जरूरी है टिकटॉक का, बेकार आदमी टिकटॉक पर। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 आपका क्या है? 6 है बाबू, ए बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। थीटा के किसी भी मान के लिए ए का क्या मान होगा? ऑप्शन आपका है 1 से लेके 2 तक रेंज है, बराबर भी हो सकता है, 3/4 से लेकर 1 तक, 13/16 से लेके 1 तक, और डी है 1। कहिएगा सर बनाना चालू किया जाए, बिल्कुल सही बात, समझ लीजिए क्या क्या हो सकता है। थीटा का वैल्यू पहले कहिएगा, किसी भी मान के लिए थीटा का वैल्यू 0 रख दीजिए। ए बराबर क्या लिखेंगे? sin 0 का वैल्यू 0 प्लस cos 0 का वैल्यू 1/4, यानी 1 आ गया अभी तक। इसका मतलब इसमें से सब हो सकता है, एक किसका भी मान है, किसका इसका इसका सब का मान है। थीटा का वैल्यू अब रख देते हैं 30, ए बराबर तब कितना होगा 30 रखने पर? 30 का वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर, अब प्लस इसका वैल्यू 3/2 के पावर 4, यानी इसका वैल्यू आएगा 1/4, इसका वैल्यू आएगा 9/16, एलसीएम 16, 4 + 9 यानी 13/16, 13/16। थीटा का वैल्यू अब रख देते हैं 45, ए का मान कितना हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 के पावर 4, 1/2 + 1/4 हो जाएगा, हो इसको दो बार गुना होगा तो ये आएगा, ये यानी LCM 4, 1/2 + 1/3/4। उसके बाद थीटा का वैल्यू अब रख देते हैं 60, तो ए का वैल्यू आ जाएगा, 60 का वैल्यू होता है कितना? 3/2 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 1/2 के पावर 4, मतलब हो जाएगा 3/4 प्लस 1/16 बराबर 16 LCM, और ये 3 × 3 = 9, ये कितना हो जाएगा? तो सही लिखा गया, फिर से एक बार देख लेते हैं, 16 यानी 4 × 4 = 12 यहाँ होगा, 4 × 12, और उसके बाद 1 13/16। थीटा का वैल्यू एक और रख लेते हैं 90, तो ए बराबर हो जाएगा ये 1 और ये 0 यानी 1। अब हम क्या करेंगे, कहिएगा सर क्या किया जाए? तो इतना को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है और हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। क्वेश्चन हम हटाएंगे, सीधे ऊपर वाला हटाएंगे, ऊपर वाला ले लिए स्क्रीनशॉट, हटा रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब हम जो बोलने जा रहे हैं इस बात को समझिए, मेरे पास मान कितना आया? ए का वैल्यू 1 भी आया, ए का वैल्यू 13/16 भी आया, ए का वैल्यू 3/4 भी आया, ठीक है 3/4 भी आया। अब जिस बात को समझाने जा रहे हैं इस बात को आप समझ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, बात पकड़ में आ जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ए का वैल्यू मेरा 3 ये मिलता है, ये 3, ठीक है। यदि आपको इसमें कन्फ्यूजन है कि सर इसमें इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, नहीं समझ में आ रहा है, एक काम कर लीजिए, इसको भी 16 बना दीजिए, क्या कर सकते हैं? 4/4 से गुना, यानी 12/16। अब आपका हमको कुछ बता सकते हैं क्या कि आपका ए का रेंज कहां से कहां तक आया? ए का रेंज कह रहा है कि हमारा 1 तक मैक्सिमम, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए का मैक्सिमम वैल्यू 1 आया है और मिनिमम वैल्यू, तो रेंज वही होता है जो लास्ट से शुरुआत से अंतिम को बोध कराए, इस स्थिति में हम कह सकते हैं 12/16। कहिएगा सर ये तो दिखिए नहीं रहा है,
ये तो दिखिए नहीं रहा है, और ये किसका पार्ट है, इसको कटा देंगे तो कौन दिखने लगा, तीन बट्टे में चार, तीन बट्टे में चार। पुनः इतना में से हम उठाए तो मेरा रेंज ये मिला, इसमें से पता नहीं चल रहा था क्या है, तो इसको हम क्या कहें कि ये जब बट्टा में है इसका वैल्यू एक और इसका वैल्यू एक से कम, 13/16 एक से कम, इसका वैल्यू एक से कम, तो इसको दोनों का सोचे बराबर कर दे तो 4/4 से गुना, इसी स्थिति 12/16। हम बोले कि इसका रेंज एक तक मैक्सिमम और कहाँ तक, 12/16 से लेके एक तक, क्योंकि उसी के बीच ये आता है। क्योंकि एक बात आप समझने की कोशिश करेंगे, यदि आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि सर 13/16 से एक तक क्यों नहीं, तो हम बोलेंगे बाबू 13/16 से एक तक लीजिएगा तो इसमें से आप 12 को छोड़ दिए, जबकि हमको 12 एंट्री चाहिए, जबकि 12 से लेंगे तो वो एंट्री हो जाएगा। तो कहिएगा सर क्या इसमें देखना है, हम बता रहे हैं क्या देखना है, रेंज कभी भी लिखना होगा तो आप इसको एंसर टिक पहले लगाइए, एंसर टिक लगाइए, हम अभी तुरंत समझा देते हैं, इसको एंसर टिक लगा लीजिए। बी बॉय हो गया आपका, कहाँ से लेकर 3/4 से लेकर एक तक हम आपको बता रहे हैं, दूसरा चीज बता रहे हैं, हटा रहे इसको, हटा रहे, देखिए बात पकड़ में आ जाएगा। मान लीजिए ए का वैल्यू आपको मिल गया है यहां से लेके 100 से लेकर 150 डॉट डॉट, 1/25, 2/25 ही है मान लीजिए, और उसके बाद आपका है 3/5। तो कहिए कि सर रेंज क्या लिखे बताइए, हम बता रहे हैं आपको, रेंज पकड़ में आ जाएगा। हम बोलेंगे यहाँ पर ये बट्टा में नहीं है, छोड़ दीजिए, ये बट्टा में है तो इसको 25 बना दीजिए, 5/5 यानी 15/25। हम बोलेंगे कि इसका रेंज क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा और इसमें से सबसे छोटा, सबसे छोटा ये है कि ये है कि ये है, एक रसगुल्ले 25 आदमी, दो रसगुल्ले 25 आदमी, 15 रसगुल्ले 25 आदमी, तो सबसे छोटा कौन है, तो ये रेंज हुआ। इसका मतलब सबसे छोटा से लेके सबसे बड़ा तक। तो हम यही तो बता रहे थे कि 3/4 इससे छोटा है, इसलिए हम इसको रेंज लिए। नहीं विश्वास है तो इसका मान होता है 0.7 के करीब, और इसका मान होता है 16/28 से 0.8 के करीब, इसलिए हम रेंज किसको लिए हैं, किसको लिए हैं, 3/4 से लेकर एक तक, 3/4 से लेकर एक तक। रेंज हमेशा छोटा से लेकर बड़ा तक लिया जाता है, इसलिए हम उसको लिए हैं। हटा रहे इसको। क्वेश्चन नंबर 7, मन होगा तो इस बात को समझ लीजिएगा, मन होगा तो क्लियर कर लीजिएगा क्या बोल रहे हैं। ए का वैल्यू आया था एक, एक आया था 3/4, 3/4 का वैल्यू लगभग 7, 0.7, और 13/16 का वैल्यू 0.8, तो हमारा रेंज बनेगा 0.7 से लेकर एक तक। इसका मतलब ये किसका वैल्यू है, 3/4 से लेके ये रेंज बनेगा, जबकि हम 8 ले लेंगे तो ये कट जाएगा, जबकि 7 ले लिए तो 8 इसमें है, इससे आगे वाला लेना है क्योंकि इससे आगे वाला है, तो इसलिए मेरा आंसर बी बॉय बना। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, सात नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्न में से कौन सत्य है, सत्य समझ में आता है, ट्रू की बात बोल रहे। ए ऑप्शन है कॉस थीटा इज ग्रेटर देन कॉस स्क्वायर थीटा, बी नंबर बोल रहा है कॉस थीटा इज ग्रेटर एंड इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, सी में बोल रहा है कॉस इज लेस देन कॉस स्क्वायर थीटा, डी में बोल रहा है कॉस थीटा इज लेस देन एंड इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ एक बात और, हाँ यहाँ पर एक बात और, जबकि ये भी दे रखा है, जबकि क्या दे रखा है, थीटा का रेंज
जीरो से 90 के बीच है। कहाँ से कहाँ तक बीच है? 0 से 90 के बीच। अब हमको बताइए निम्न में से क्या आंसर होगा, जल्दी फास्ट क्विक बोलिए बोलिए। एक काम करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, 0 को नहीं लेना है, 90 को नहीं लेना है, इसके इसके बीच में है, यानी थीटा का वैल्यू आप ले सकते हैं 30, 45, 60। थीटा का वैल्यू अब लेते हैं, इस साइड में हम ले लिखेंगे कॉस थीटा, इस साइड में लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। यहीं से हमको पता चलते जाएगा थीटा का वैल्यू हम ले रहे हैं 30, 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 नहीं, √3/2 30 का वैल्यू, और इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 3/4, 3/4। हाँ अभी तक पकड़ में नहीं आया तो इसका वैल्यू होता है 1.732 बटे में, ये इसको हल करेंगे तो 0.8 के करीब आएगा, इसको हल करेंगे तो 0.7 आएगा। आप बताइए कौन बड़ा है, बताइए तो आपको दिखा कि ये बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है, इसका मतलब कॉस थीटा इज ग्रेटर देन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इज ग्रेटर देन कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन ए नहीं तो बी, जबकि ये दोनों ऑप्शन कट गया, क्योंकि इसमें कॉस थीटा इज लेस देन कह रहा है, कॉस थीटा इज लेस देन कह रहा है, ये नहीं हो सकता, ये दोनों कट गया, ये दोनों हो सकता है क्योंकि यहाँ ग्रेटर आना चाहिए। कब? जब 30 रखे तब, 30 रखे तो हमें पता चला, 30 रखे तो हमें पता चला कि यह ये वो दोनों में से ऑप्शन हो सकता है। अब हम क्या रख रहे हैं, अब हम रखेंगे इसको हटाकर, अब रखेंगे हम 45 का वैल्यू 1/√2, ये 1/√2 का स्क्वायर बराबर 1/2, इसका वैल्यू 1/1414 करीब, और इसका वैल्यू 1/2। इसको हल करेंगे तो एक बात समझिए, आप खुद समझ में आ जाएगा, एक रसगुल्ले दो से कम आदमी, एक रसगुल्ले दो आदमी, इसका मतलब हम कह सकते हैं, ऐसे भी समझिए, ऊपर में अंश में यदि सेम हो न्यूमिनेटर में, डोमिनेटर जिसका बड़ा, नीचे वाला बड़ा वह छोटा होता है, इसका मतलब ये यहाँ पर भी बड़ा ही है, यहाँ पर भी ये बड़ा है, इसका मतलब ये भी बड़ा है। कब? कब? पुनः कह रहा है कि हम आंसर बी नहीं तो ए नहीं तो बी, ए नहीं तो बी, बड़ा हो गया। तो कहिएगा सर एक और बच्चा है, उसको भी देख लीजिए, यानी आपका मिला थीटा बराबर 60, 60 का वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर, इसको अभी हटा देते हैं तो 1/2, 1/4, इसका वैल्यू 0.5, इसका वैल्यू 0.25, इसका मतलब यहाँ पर भी 0.5 इज ग्रेटर देन 0.10, यहाँ पर भी बड़ा हो गया, इसका मतलब। हाँ एक बात और बोल रहे हैं, कहीं आपका बराबर आया क्या, बराबर किसी में 30 पर, 45 पर, 60 पर, तो नहीं आया, इसका मतलब हमेशा बड़ा तो आ रहा है लेकिन बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब बी नहीं आंसर हो सकता है। कौन आंसर होगा? ए, हमेशा ए कॉस थीटा इज ग्रेटर देन कॉस स्क्वायर थीटा, कभी भी इक्वल नहीं आया। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए आपका हो गया, हाँ जबकि दिया है यहां पर भी, जबकि ये दे रखा है साइन थीटा इज ग्रेटर देन साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, देख लीजिए। अब कह रहा है कुछ भी आप रखिए 0 से लेकर 90 तक, थीटा का वैल्यू हम पहले 0 रखेंगे, 0 तो मेरा आ जाएगा कितना, एक तरफ साइन थीटा लिख लेते हैं और एक तरफ साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पर वैल्यू हाँ एक बात और समझेंगे, हमको लग रहा है कि कॉस थीटा में, हमारा दृष्टिकोण कह रहा है कि कॉस थीटा में 0 का वैल्यू, पिछला क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छा से,
कॉस थीटा का वैल्यू लगता है जीरो रखे हैं, जीरो नहीं एक होगा, ठीक है, एक और एक का स्क्वायर तो भी बराबर होगा, इस बात को समझ लेंगे, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जो लास्ट में रखे हैं जब बराबर होने पर, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग समझ लेंगे। और याद भी नहीं रखे हैं कि नहीं वो भी नहीं बता सकते। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, आइए यहाँ पर, तो हमारा क्वेश्चन आ गया इतना, तो यहाँ पर रखेंगे जीरो, ये जीरो का स्क्वायर यानी जीरो बराबर जीरो, आपस में बराबर, ये बराबर हो गया। इसका मतलब कह रहा है कि साइन थीटा कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा के बराबर होगा। इसका मतलब ऑप्शन या तो बी या तो आपका ऑप्शन डी, ये दोनों हो नहीं सकता है, क्योंकि बराबर का चिन्ह इसमें कहाँ है, दो नहीं हो सकता है, फिक्स हो गया, या तो बी नहीं तो डी, क्योंकि बराबर होना चाहिए। थीटा का वैल्यू अब रख देते हैं 30, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बाबू, 1/2, और ये अब क्या इसको हटा दे रहे हैं, अब इस बार देखेंगे, फिर से देखेंगे, अब उसके बाद 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/2 और 1/4, यानी हम कह सकते हैं 0.5 0.25, इसका मतलब ये ग्रेटर है, इसका मतलब ये बड़ा है, इसका मतलब एक बार आया था बराबर तो ये दोनों हो गया, और एक बार आ गया कि साइन थीटा हमेशा साइन स्क्वायर थीटा से बड़ा होना चाहिए, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा से यहाँ छोटा है, इसलिए बी ऑप्शन भी नहीं होगा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा से बड़ा होना चाहिए, और पहला ऑप्शन के अनुसार इक्वल भी होना चाहिए, इसके अनुसार इक्वल, इसके अनुसार बड़ा, इसके अनुसार इक्वल, इसके अनुसार बड़ा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी डॉग, डी डॉग आराम से बना लीजिएगा, देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए घर के लिए दे देते हैं, दे दें एक क्वेश्चन घर के लिए, हटा रहे हैं इसको बाबू, हटा रहे हैं, देखिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए घर के लिए, साइन के पावर 8a माइनस कॉस के पावर 8a होल बटे में कॉस 2a इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2a बराबर व्हाट, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन आपका इस प्रकार से है, a में 1/2, b में 1, c में माइनस 1/2, d में माइनस 1, बना के इसको आप लोग आराम से रखेंगे। कहिएगा सर किस नियम पर, मन होगा तो सूत्र पर, मन नहीं होगा तो आप समझते हैं क्या चीज़ पर, हम नहीं जानते, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स, जय हिंद बाबू।